Hello students, I am Hitesh Kumar Patkar, currently serving as Mathematics Faculty in Brinks Institute. I have done my BTech from NIT Raipur. So today we will discuss a very small concept, or very important concept, a very important concept of binomial properties of binomial coefficient, that is NCR plus NCR minus 1 equal to N plus 1 CR. बहुत important property है. मैंने इसको ऐसे याद किया था कि जब जब दो combination add होंगे और उसके नीचे जो लोअर पार्ट है अगर वो कंसेक्यूटिव हुआ, अगर उसका जो लोअर पार्ट है वो कंसेक्यूटिव हुआ, तो जो बड़ा वाला नंबर है, जो उसमें जो कंसेक्यूटिव नंबर है, जो बड़ा वाला नंबर है, वो यहाँ हो जाएगा और ऊपर एक बढ़ जाएगा. ऊपर जो है नंबर एक बढ़ जाएगा. कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं. 6C3 प्लस 6C2 क्या हो जाएगा, देखो ये कंसेक्यूटिव है ना, तो ऊपर एक बढ़ जाएगा, 7 हो गया, और इसमें जो बड़ा है वो आ जाएगा 7C3 11C4 प्लस 11C5. ऊपर 11 ये ना एक बढ़ जाएगा, तो 12 हो गया, और C और 4 और 5 तो क्या रहेगा, जो बड़ा नंबर है, तो 5, 12C5. अब देखते हैं जेईई मेन में क्या क्वेश्चन पूछा गया था. बहुत इजी क्वेश्चन था, बट अगर क्लिक नहीं किया तो टफ हो जाएगा. क्या पूछा गया है, 51 माइनस के सी 3 इज इक्वल टू हाउ मच. समझते हैं क्या दिया गया है. हमको दिया गया है 51 माइनस के सी 3. इसका मतलब के पहले क्या होगा, पहले के 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4, फिर 5, 6. एक बार लिखते हैं इसको. क्या लिखा गया है, 51 सी 3 प्लस क्या होगा, 50 सी 3, 49 सी 3, ठीक है, प्लस 48 C3, 47 C3, 46 C3, 45 C3. तो K इज इक्वल टू आपने 6 पुट कर दिया है, ये दबा गया. अब इनको सॉल्व करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो यह आ रहा है कि सर सॉल्व कैसे करें, यहाँ तो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं R और R माइनस 1, यहाँ तो कंसेक्यूटिव नंबर ही नहीं है. एक काम करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं 45C4. क्यों, इसका जवाब मैं दूंगा पहले, है ना. इसमें हम ऐड करते हैं 45C4, तो फिर कितना है माइनस में, माइनस में आ गया 45C4. अगर आप कोई चीज ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे बैलेंस करने के लिए मैथमेटिक्स को, ठीक है. अब समझना है इन दोनों को, देखो आप इन दोनों को देखो, अगर ये एक ही स्टेप है जिससे पूरा प्रॉब्लम बन जाएगा. अगर आप इन दोनों को देखो तो कितना आया 45C3 प्लस 45C4. क्या इस फॉर्मेट में है क्या, देखो ऊपर सेम नंबर है 45 45, और नीचे जो R की, देखो NCR में जो R के प्लेस में वो कंसेक्यूटिव है, कैसे 3 है यहाँ पर 4 है. तो होता क्या है इससे, इससे क्या हो जाएगा, इससे भी 45 जो है 43 बन जाएगा, पर इन दोनों में जो बड़ा नंबर बड़ा है वो क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा. अब देखो ये जो है इसके लिए काम करेगा, फिर ये जो इसके लिए काम करेगा कैसे, 46C3 प्लस 46C4, देखो सेम नंबर है कि नहीं, 46 सेम नंबर है, तो एक बढ़ जाएगा, साथ में 3 और 4 में जो नंबर बढ़ा है कंसेक्यूटिव तो है, पर जो बढ़ा है वो आ जाएगा. ऐसे करते करते अगर आप एक पैटर्न पकड़ो तो कितना हो गया 47C4. अब देखो एक पैटर्न समझना, 46C3 के पास कौन आया, 46C4, 47C3 के पास कौन आया, 47C4. मतलब जो है उससे जो है वही आता है n में, और r में एक बढ़कर आता है. तो बताओ इस पे क्या गया है, यहाँ पर आएगा 57C4. तो अगर 51C4, तो 51C3 प्लस 51C4 को अगर आप ऐड करोगे कितना आएगा, फिर ये आ जाएगा 52C4 माइनस, ये जो प्लस किया था तो उसको बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया था, माइनस, वो तो यहाँ पर है ही, तो माइनस 45C4. कौन सा वाला आ जाएगा, 52C4
ये माइनस 45 सी फोर, तो ये हमारा ऑप्शन सी नंबर क्या होगा, राइट होगा। इसमें एक बात ध्यान देनी है कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं, ठीक है, और साथ में ऑप्शन से भी हेल्प ले सकते हो आप, बट अगर ऑप्शन नहीं हुआ तो हमको ध्यान से लिखना है कि फॉर्मूला कैसे बनता है। अच्छा, आपके मन में एक और डाउट होगा, सर आपने जो यहाँ पर जो किया 45C3, तो 45C4 ऐड किया आपने, तो 45C3 में आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि 45C2 कर दिया, तब भी तो फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, बिल्कुल फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा फिर ये 46C3, बट बताओ आगे क्या करूँगा फिर मैं, 46C3 आ गया ना, इसके पास क्या लेकर जाऊँगा, 46C3 प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं, इसलिए मैं करूँगा 45C4, ताकि इसके पास फिर 4 वाला है, इसके पास फिर 4 वाला है, ऐसे करके पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। आई होप आपने आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, बाकी इसके ऊपर और जो जो क्वेश्चन बेस्ड है वो आपके प्रीवियस प्रॉब्लम में दिए हुए हैं, वो सॉल्व करिए, आपके मॉड्यूल से बनाइए, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।